जब आप पेटी खोलेंगे ना तो मशीन क्या है ये अपना इस तरह से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ये जो ऑयल है, ये ऑयल हमको यहाँ पे जो डोर ओपन खोलने के बाद में ये ऑयल फिलिंग का ये कैप है, इसको खोल के और ये पूरा ऑयल पहले इसमें डालना है, उसके बाद मशीन चालू करना है। ये वाला ठीक है, ये यहाँ पे आपको शो करेगा ऑयल। ढक्कन को वापस लगा देना है, ठीक है। मशीन ऑन, ये एनसीपी ऑन करना है। इसके बाद में मशीन ऑन यहाँ से होगा, ये ऑन ऑफ का स्विच है, ठीक है। ये हमने मशीन ऑन कर दिया, ठीक है ना। हमको पाउच के हिसाब से यहाँ पे वैक्यूम का टाइमर जो है वो सेट करना है 40 सेकेंड। अगर जैसे 1 किलो का पाउच है तो हमको कम से कम 40 से 50 के बीच में ये वैक्यूम का टाइमिंग रखना है। सीलिंग के लिए हम इसको 3 सेकेंड पर रखेंगे और जो हीटिंग वोल्टेज है वो रहेगा 2 पे, ठीक है। कभी मशीन ऑन नहीं होता है तो यहाँ पे एक इमरजेंसी स्विच दिया है, अगर इसको अपन दबा देंगे तो मशीन पूरा लॉक हो जाएगा, वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। इसको चालू करने के लिए ये एरो के डायरेक्शन में हमको इसको घुमाना है। ये पाउच अभी इसके अंदर मैंने ये टेप रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमको इस तरह से रखना है इसे, बस इसको फ्लैट रखना है ना, कोई सल नहीं आया इसके अंदर, और इस स्लिप को ऊपर रखना है और सिर्फ हमको ढक्कन को पुश करना है। ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो वैक्यूम हो जाएगा।